अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां रीवा में लगातार तीसरे दिन भी रीवा आरटीओ मनीष त्रिपाठी के साथ मिलकर परिवहन सुरक्षा स्क्वाड प्रभारी अजय मार को परिवहन चेक पोस्ट हनुमना प्रभारी आरबी सिंह सहित चेक पोस्ट चाक घाट पर जिले में कई जगह चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 41 यात्री बसों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए मौके पर ही 1,16,000 रुपए का राजस्व वसूल किया गया। इसके साथ ही रीवा सीधी मार्ग पर गुड़ के पास एक ट्रक, जिस पर 1,57,000 रुपए का मध्य प्रदेश का मोटरयान कर बकाया था, उसे जब्त कर थाना गुड़ में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया है। आज की यह चालानी कार्यवाही रीवा प्रयागराज रोड पर चेक पोस्ट चाक घाट पर रीवा हनुमना रीवा सीधी सहडोल और रीवा सतना रोड पर की गई। चालानी कार्यवाही से यात्री बसों के संचालकों पर काफी हड़कंप मचा हुआ है। दीपावली त्योहार के चलते इस समय यात्री बसों पर यात्रियों का आवागमन काफी ज्यादा हो रहा है, जिसके चलते आज यात्री बसों के ऊपर चेकिंग अभियान निरंतर तीसरे दिन भी लगातार जारी रहा है। अरे दो में तीन हो जाओ भैया। हेलो हेलो आई है बंगोला हरी बाम तहार है पहुंच रहे ना, वो ले रहे हैं सवारी ज्यादा मत लेना। पैसे ज्यादा लेता हो किराए के? पैसे ज्यादा मत लेना, आगे चलो। दादा अपना कहाँ से बैठा है? चावल से कहाँ जा भीगा? इतना पैसा नहीं है।